डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड शियर स्ट्रेस की कैलकुलेशन देखेंगे फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज द सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, अब देखिए, हमने जब शियर स्ट्रेसेस इन बीम पढ़ाए थे, ठीक है ना, शियर स्ट्रेसेस इन बीम में हमने जो लेक्चर नंबर हमारा 81 था, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जस्ट इसके ऊपर। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो है फॉर ए गिवन बीम में जो है निकाले थे कि किस तरह से अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट होता है, और उस अनबैलेंस्ड फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो है शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, एफ ए वाई बार अपन आई बी। अब इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप देखेंगे कि एफ क्या है, आपका शियर फोर्स है, ए एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वाई बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, बी क्या है, विड्थ। अब आप बोलेंगे सर बी तो यहाँ विड्थ है। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन का जब हम निकाले थे लेक्चर नंबर 82 में, तो ये जो है यहाँ पर भी यही फार्मूला यूज किए थे, हर जगह यही फार्मूला यूज करेंगे, एफ ए वाई बार अपन आई बी, ठीक ना। और ये किस तरह से बी जो है यहाँ विड्थ है, और इसको कैलकुलेट करके हमने शियर स्ट्रेस निकाला था कि टाउ मैक्स जो होता है हाफ 1.5 ऑफ टाउ एवरेज होता है, और इसकी टाउ एवरेज की वैल्यू कितनी होती है, दैट मीन्स की टाउ एवरेज तो ये होता है आपका एफ अपन एरिया, और टाउ का जो इक्वेशन बना था क्या बना था, एफ अपन 2i इंटू डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये किसका था, रेक्टेंगुलर सेक्शन का। क्वेश्चन ये है कि यहाँ तो विड्थ जो है इस फॉर्मूला का जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है, जस्टिफाई हो रहा है, लेकिन सर्कुलर सेक्शन की यदि हम बात करेंगे तो इसमें कहाँ कौन सा विड्थ आएगा, और विड्थ कहाँ से लेंगे, क्यों लेंगे, बात आती है सेक्शन की। तो हमने बताया था कि कोई भी बीम है, ठीक है ना, कोई भी बीम है, इसका आप साइड व्यू देखिए, ठीक है, साइड व्यू में यदि सर्कल है तो सर्कुलर सेक्शन बीम हो गया, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम हो जाएगा, ठीक ना, देयर इज नो एज सच एनी बिगर डिफरेंशिएशन। लेकिन अब क्वेश्चन ये, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो फार्मूला आपका निकल करके आया, ठीक ना, फार्मूला कौन सा है आपका, टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार अपन आई बी, ये आपका क्या है, मेन फार्मूला है, ठीक ना, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ। तो इसमें बी विड्थ कहाँ आएगा सर्कुलर सेक्शन में, ठीक ना, और हमने बता भी दिया कि ये आपका बीम है, सिंपली सपोर्टेड या कोई भी बीम मान लीजिए, इट्स योर चॉइस। और इसका जो आप जो है क्या साइड व्यू जो देखते हैं वह क्या है, सर्कल है, ठीक है, वो क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो अब यहां पर सर्कल है ये, ठीक है, अब यहां पर ये सर्किल है, सर्कुलर सेक्शन है। अब हम अपने सुविधा के लिए एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन एज्यूम कर लिए हैं, ये क्या है आपका, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, और ये जो है एक पार्ट मान लीजिए, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये मान लीजिए बी है, और इसकी डिस्टेंस भी कुछ माननी पड़ेगी आपको, तो ये मान लीजिए वाई डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, वाई, ठीक है, और ये बी माने हैं इसलिए क्योंकि ए इधर लिखा है तो कन्फ्यूजन ना हो, और ये ई एफ, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर। हम क्यों मान रहे हैं ये सब चीज़ें, आपको समझ में आ जाएगा, इसकी रेडियस कितनी है, आर, डायमीटर कितनी है, डी, ठीक है, डायमीटर कितनी है, डी। अब हमने ई एफ को जो है एक एलिमेंटल सेक्शन माना है, पहले हम इसके ऊपर निकालेंगे, ठीक है ना, इससे क्या होगा, हमें एक जनरलाइज्ड इक्वेशन मिल जाएगा, फिर हम वाई का वैल्यू ऊपर नीचे चेंज करते रहेंगे, और वाई की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, वाई की वैल्यू जो है आपका आर से कम होगा और जीरो से ज्यादा होगा, जीरो और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आर होगा, ठीक है। इक्वेशन हमने आपको लिख दिया एफ ए वाई बार अपन आई बी, ठीक है ना। अब इस एलिमेंटल स्ट्रिप का हमें एरिया निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो
इस स्ट्रिप की जो है डिस्टेंस वाई है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप पहले मान लीजिए ले लेते हैं, ये छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, और इसकी थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस मान लीजिए डी वाई, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, ठीक ना, इसकी एरिया कितनी होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि एरिया ऑफ स्ट्रिप मतलब डी ए, छोटा सा एरिया हमने ये डी ए मतलब क्या, बी इंटू डी वाई। अब बी मतलब विड्थ, और विड्थ मतलब क्या, यहाँ पर बी इक्वल टू क्या है, ई एफ है, बी इक्वल टू क्या है, ई एफ है विड्थ, ठीक ना। तो बी इक्वल टू यदि ई एफ है, ध्यान दीजिएगा ई एफ, तो चूंकि यहाँ पर बी इक्वल टू क्या है, ई एफ है, यहाँ से एफ, यहाँ ई बी क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ई बी प्लस बी एफ हो गया, मतलब टू ई बी दोनों बराबर होगा, तो ई बी क्या हो गया आपका, बी बाई टू, ध्यान दीजिए, सही है, बी बाई टू, या हम बी इक्वल टू लिखें टू ई बी, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ई बी, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, इसको ओ मान लेते हैं सेंटर पे, ठीक ना। तो ये जो है इसको आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया बी, यहाँ पे क्या हो गया आपका ओ बी, और ये ई, ठीक है, ये ओ बी क्या है आपका वाई, और बी ई क्या है बी बाई टू, बी ई ही निकालना है, बी ई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियर, जो आजकल हो गया है बेरोजगार इंजीनियरिंग, सिनोनिम चेंज हो गया है, और ओ ई, ओ ई क्या है आर, ठीक है। तो यहाँ पर बी ई निकालेंगे यदि आप, ध्यान दीजिए इस ट्रेंगल से बी ई यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा या नहीं, ठीक है। बी ई, बी ई और यही बी इक्वल टू क्या निकाले हैं, टू ई बी, तो यहाँ पर बी इक्वल टू टू ई बी, या बी ई जैसे भी लिखना है, ठीक ना। तो आर स्क्वायर टू इंटू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ध्यान दीजिए, तो एरिया कितना हो जाएगा डी ए, ये बी, देखिए बी इंटू डी वाई, तो बी की जगह पर ये लिख देंगे टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा या नहीं, ध्यान दीजिए क्या हो गया, बी इंटू डी वाई, ठीक ना। अब यहाँ पर डी ए, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है, ए वाई बार है, क्या है ए वाई बार, तब हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया, तो मोमेंट ऑफ दिस एरिया क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ स्ट्रिप लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ स्ट्रिप दैट मीन्स वाई इंटू डी ए, ठीक है। मोमेंट मतलब क्या, एरिया इंटू डिस्टेंस, यही होता है ना, मोमेंट क्या होता है, ये सी जी नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, वाई इंटू डी ए लिख सकते हैं, और डी ए यहाँ पर निकाल चुके हैं आप, तो क्या हो जाएगा वाई टू वाई ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक ना, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। नाउ अब ये मोमेंट किसे निकाले हैं आप, स्ट्रिप का, तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ द होल शेडेड एरिया, ठीक ना, मोमेंट ऑफ द होल शेडेड एरिया क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ होल शेडेड एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक ना, क्या हो जाएगा ए वाई बार, मोमेंट ऑफ होल शेडेड एरिया क्या होता है ए वाई बार, दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन करेंगे हम, और किसका इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ए वाई बार कितना निकला है, यही है ना, टू वाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो वाई है,
और फिर यहाँ तक कितना है, R मतलब Y से लेके R तक जाएगा, बस इतना ही डिस्टेंस है ना आपका। देखिए Y से R तक, दैट मीन्स कि Y से R तक इसको इंटीग्रेट कर दें हम, Y से R। देखिए माइनस हम अपने मन से बाहर लगा लिए और इधर अंदर भी लगा लिए, कोई दिक्कत, बाहर अंदर दोनों को दो दो रुपया दे दिए, मतलब माइनस माइनस दे दिए, तो कोई नाराजगी नहीं है। क्यों ऐसा दे रहे हैं थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। और इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ध्यान से, जिसका इंटीग्रेशन होता है उसका डिफ्रेंसिएशन उल्टा होता है, ठीक ना। तो वाई स्क्वायर का आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर तो क्या होगा, माइनस टू वाई होगा कि नहीं। इसी को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, लिख लिया है, इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस तो रहेगा बाहर, और इसका इंटीग्रेशन आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/2, अब प्लस वन हो जाएगा, ठीक ना। और यही 1/2 + 1 मतलब इधर भी आ जाएगा 1/2 + 1, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाई से आर तक। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ए वाई बार इक्वल टू माइनस, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 / 3/2, और वाई, और इधर क्या आ गया, आर हो गया। अब देखिए यहाँ पर वाई और इधर आर आ गया, अब यहाँ पर एक बार आर रखेंगे तो आर स्क्वायर, और फिर आर रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, फिर हमको अल्टीमेटली क्या रखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ठीक ना, तो क्या निकल कर के आ जाएगा, 3/2, 2 ऊपर चले जाएगा तो क्या बचेगा, 2/3, 2/3, और इधर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर, क्योंकि फिर माइनस आएगा ना, तो इधर का माइनस और ये माइनस कटेगा, पहले तो वाई की जगह जब आर रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस और माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर 3/2, ये आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू आया। तब आप शियर स्ट्रेस लिखेंगे, शियर स्ट्रेस क्या होता है फिर से बताइए, एफ ए वाई बार अपन आई बी, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एफ तो अपनी जगह पर है, ए वाई बार का वैल्यू अब आप निकाले हैं, ए वाई बार का वैल्यू कितना है आपका, 2/3, और आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, और आई सर्किल का आई क्या होता है, π d² / 4/64, ये तो बाद की बात है, ये सोचेंगे बाद में, लेकिन अभी तो बी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, बी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं क्या, बी इक्वल टू 2 r² - y² ये आप निकाल चुके हैं क्या, बी इक्वल टू r² - y², तो बी ई और ई वी दोनों बराबर ही तो है, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे क्या, आई और इधर 2 और इधर r² - y², ठीक है, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए 3/2 है। अब यहाँ पर टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, ये देखिए 2 से 2 ऊपर वाला कटेगा, तो एफ अपॉन 3i रहने दीजिए, और ये r² - y² का स्क्वायर रूट इससे कटेगा, तो क्या बचेगा, r² - y² का स्क्वायर बचेगा या नहीं, क्योंकि ये इससे कटेगा, ठीक है, तो ये r² - y² बचेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया, लेकिन अब आई का वैल्यू हम यहाँ पर अब रख सकते हैं, तो फाइनल जो हमारा वैल्यू आया, टाउ का जो इक्वेशन बना है, ठीक ना, ये टाउ का इक्वेशन क्या बना, एफ अपॉन 3i और r² - y², ये आपका एक इक्वेशन बना दोस्तों। अब ये जो इक्वेशन बना, इसमें देखिए तो y क्या है आपका, स्क्वायर में है ना, मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब क्या, पैराबोलिक कर्व बनेगा, क्या बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा। अब पैराबोलिक कर्व बनेगा इसका मतलब क्या है, कैसे मालूम चला पैराबोलिक कर्व बना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब दूसरा इसमें एक टर्म है
कि अब वाई के डिफरेंट वैल्यू पर अब वाई का वैल्यू आप रखते जाइए। तो अब जब वाई जीरो रखेंगे यहाँ पर, मतलब वाई जीरो रखें और वाई इक्वल टू आर रखें यहाँ पर दोनों पॉइंट पे, तो क्या क्या वैल्यू आएगा? तो एट y इक्वल टू जीरो पर, मतलब सेंटर पर, एट सेंटर तो टाउ कितना होगा जब जीरो होगा, तो f अपन थ्री आई इंटू आर स्क्वायर होगा कि नहीं। और एट y इक्वल टू आर पर कितना होगा, टाउ क्या हो गया, जीरो। देख लीजिए y इक्वल टू जब r रखेंगे मतलब बाहर, तो ये आपको ये चीज़ तो अब समझ में आ गया कि ये जो कर्व बनेगा कुछ ऐसे कर बनेगा, और ये जो है यहाँ पर क्या होगा, टाउ मैक्स। तो यहाँ तक तो अब क्लियर है आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कि पैराबोलिक कर बनेगा और इक्वेशन ये है आपके पास, ठीक है ना। इसका इक्वेशन क्या बना आपका, टाउ इक्वल टू एफ अपन थ्री आई और आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जो है एक चीज़ देखिए यहाँ पर, f अपन थ्री आई, तो देखिए तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहे हैं, टाउ इक्वल टू f अपन थ्री और i की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, पाई d टू द पावर फोर अपन सिक्सटी फोर, यहाँ d डायमीटर लिए हैं, तो यहाँ r स्क्वायर मतलब क्या, d बाई टू का स्क्वायर, इसको अब हम ब्रेक कर दें, ठीक ना। पाई डी टू द पावर फोर है और यहाँ पर डी बाई टू, तो दैट मीन्स डी स्क्वायर और डी स्क्वायर से ये कटेगा, ध्यान दीजिएगा। एफ अपन थ्री रख दें और ये सिक्सटी फोर जो है ऊपर ले लें हम, और नीचे क्या बचेगा, पाई डी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये डी स्क्वायर से एक डी स्क्वायर कट गया, तो डी स्क्वायर बचा इंटू वन बाई फोर, टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, यही होगा ना। इस फोर से ये कटेगा सिक्सटी फोर, पाई डी टू द पावर फोर अपन सिक्सटी फोर, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, तो ये पाई से ये कटेगा तो सिक्सटीन आ जाएगा, एक टू यहाँ का ही छूट गया है लगता है। एफ अपन थ्री आई आर स्क्वायर, ठीक है, और आई इक्वल टू डी टू दी, हाँ सही है सही है सही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये एफ रख देते हैं हम, ये थ्री रहने दीजिए और यहाँ पे फोर रहने देते, फोर इंटू फोर क्या होगा सिक्सटी फोर, तो फोर रहने दीजिए, एक फोर नीचे ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है ना। दैट मीन्स कि फोर बाई थ्री और f अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई फोर क्या हो गया है, एरिया ऑफ द सर्किल हो गया कि नहीं, एरिया ऑफ द सर्किल, दैट मीन्स कि टाउ जो आपका मैक्स निकला फोर बाई थ्री और f अपॉन एरिया, मतलब क्या, एवरेज शियर स्ट्रेस निकल गया, ठीक है, निकल गया कि नहीं, f अपॉन एरिया। तो इस तरह से आप जो है फोर बाई थ्री टाउ एवरेज, दैट मीन्स कि टाउ मैक्स जो होगा, टाउ मैक्स जो निकला वह कितना निकला, फोर बाई थ्री ऑफ टाउ एवरेज, या इसी को वन पॉइंट ऑफ थ्री लिख दीजिए, वन पॉइंट थ्री ऑफ टाउ एवरेज। तो दैट इज द इक्वेशन, ठीक है ना, दैट इज द इक्वेशन, और यू कैन से रिलेशन बिटवीन एवरेज शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर द सर्कल। यही चीज जब हमने कहाँ निकाला था, रेक्टेंगुलर सेक्शन में, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में देखिए क्या आया था, कि टाउ जो मैक्सिमम आया था 1.5 ऑफ टाउ एवरेज, और यहाँ पर क्या आया है 4 बाई 3, दैट मीन्स कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है एवरेज की कंपैरिजन में रेक्टेंगुलर में ज़्यादा होता है बजाय सर्कुलर में। सर्कुलर में शियर स्ट्रेस रेक्टेंगुलर के बजाय क्या होता है, एवरेज शियर स्ट्रेस के कम होता है, जो कि यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, दिख भी रहा है। तो दोस्तों आज हमने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है पढ़ा काहे में, सर्कुलर सेक्शन में, ठीक है ना, कि हाउ टू ऑब्टेंड शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू ड्रॉ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर
दिस सर्कुलर सेक्शन। तो हमने आपको जो शुरू से ही समझाया कि इसमें पहले इस फार्मूला को लेकर के चलिए, और इसी फार्मूला में हमने यहाँ पर पहले एक छोटे से एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए, छोटे से एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए निकाला, और फिर उस स्ट्रिप से आगे बढ़ते हुए हमने जो है ये एरिया, मोमेंट, ये सब निकालने के बाद जो है हमने इंटीग्रेट कर दिया है, देखिए यहाँ पर, और इंटीग्रेट करके हमने निकाल लिया। दोस्तों आई होप कि ये समझ में आया होगा, और यदि थोड़ा भी डाउट है तो इसको एक बार तो और जो है आप देख ही सकते हैं, एक बार क्या, बार बार देखिए, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई शिकायत वाली बात नहीं है। ज़्यादा देखेंगे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके ही काम आएगा। बाद बाकी हमने ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला और वह सब कुछ लिख दिए हैं जो आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहिए मस्ती में, और मस्ती में तभी रह पाएंगे जब आप सस्ती में नहीं रहेंगे। और सस्ती में नहीं रहना चाहते हैं इसका मतलब कि आपको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए इसका मतलब कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी अभी मेहनत कर लेंगे तो आपको जो है भविष्य में मेंटल मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग से, ठीक है, शरीर से नहीं। तो आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।